देश अब तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र वर्मा और इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत के शास्त्री कॉलोनी से आ रही है, जहां पर 40 लोगों से एक महिला 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने का मामला सामने आया। एक महिला ने जो है 40 लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। जी, हम आपको बता दें कि सोनीपत जिले में लगातार जो है ठगी होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला सोनीपत के शास्त्री कॉलोनी का आ रहा है, जहां पर एक महिला के द्वारा 40 लोगों के साथ ठगी करने का मामला सामने आया और 40 जो लोग हैं उनके के द्वारा पुलिस को शिकायत दी गई है और पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और बताया गया है कि लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा की ये धनराशि है वह महिला लेकर रफू चक्कर हो गई है और वहाँ के लोग जो है अब सदमे में नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, सोनीपत के शास्त्री कॉलोनी की तस्वीरें हैं, जहां पर ठगी के बाद लोग इकट्ठा हुए हैं और आपस में गुप्तगुर करते हुए नजर आ रहे हैं। और बताया गया है कि सोनीपत के एसपी को जो है लोगों ने लिखित शिकायत दी है। इस लिखित शिकायत पर जो है चौकी इंचार्ज को जो है निर्देश दिए गए, उसके बाद जो है मामला दर्ज किया गया। सुनिए लोगों ने क्या आरोप लगाए गए हैं। पैसा और तुम लेके भाग गए। कितना पैसा था आपका? मेरी तो जिन टूम ही टूम है, 8 तोले सोना है। बोले तो आपने क्यों दिया था इनको? इसने बहु बका ली पीछे से, मैं तो ड्यूटी पर जाया करती कि तू ये टूम मेरे पास रख दे और मैं इनके बदले इन्हें मुथुर मार धर के और वो पैसा ला के ब्याज पर दे दूंगी। उस ब्याज के पैसे की जो ब्याज आएगा उसकी कमेटी डाल दूंगी और वह कमेटी मैं तेरे को दे दूंगी। कहाँ रहते हो आप? यही शास्त्री कॉलोनी में, बिमला। बिमला जी, यहाँ ये लोग इकट्ठे हुए, क्या कारण है, क्यों इकट्ठे हुए? ये पैसे ले रही है जी, 15 मार्च ने तो मेरी लड़की पे लिए थे 80,000 रुपये और 2 कमेटी जा रही है, 5-5 किस्त जा रही है, जनवरी तो चालू हुई थी। लड़की तक कोई ब्याज नहीं दिया, नहीं बोली 15 दिन में वापस दे दूंगी पैसे। तो फिर अब आप इनके घर आए, क्या हुआ? घर आया, हाथ जोड़ लिए, नहीं बोली आके दूंगी सजे थोड़े थोड़े करके दूंगी अपनी लड़की के, तू दे दे और फिर मैं तेरे देती रहूंगी। मैं कहा मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं बोली मैं इब नहीं दे सकती, मैं डट के दूंगी। क्या काम करते हो आप? मैं तो जी भैंस बांध रही हूँ। धोखा होया मेरी लड़की का बटिया। सिक्योरिटी वगैरह भी दी थी आपको? ना जी कुछ नहीं है। आपका? मेरा निर्मला नाम है जी। मैंने 1,00,000 रुपया उसने मेरे से मांगा जी, मैं ब्याज दे दूंगी, फिर मेरे को ब्याज नहीं दिया जी उसने, कभी दिया और कभी ना दिया। 1 साल से। कब दिए थे आपने पैसे? मेरे जी 1 साल के करीब हो गए जी, 1,00,000 रुपया जी। उसके बदले में उसने कुछ आपको सिक्योरिटी दी थी? नहीं जी, कुछ चेक दिया जी मेरे को। किस नाम का चेक है? दर्शना नाम का चेक है जी, साइन करा के मेरे तो आगे भी 2 पीछे साइन। तो आप बैंक में गए थे, क्या हुआ? बैंक में बाउंस करा के अभी लगाया, उल्टा है। सत्यनारायण जी। सत्यनारायण जी यहाँ क्यों खड़े हुए, क्या सुन? यहाँ पैसे के वो उसमें खड़े हैं जी, ये पैसे लेकर भाग गए। किस चीज़ के पैसे थे? पैसे थे जी, इसका लड़का विदेश जाओ था, ये 11वें महीने नवंबर की बात है जी, 24 तारीख की और 30 तारीख की। उसके बहाने मेरे से 5,50,000 रुपये लिए थे इसने नकद कैश। और अब उसके बाद या मतलब छपती अंडा ताला बंद करके या आउट होगी मेरे तो। और उसके बदले इसने कोई चेक वगैरह दे रखा? चेक वगैरह भी दे रखा है। और इसका भाई बलराम था और ये थी, दोनों मतलब कैश लेने मेरे घर से ले आए थे। तो कितने कितने अमाउंट के चेक हैं? चेक है जी, एक का मेरे द्वारा चेक भर कर दे दिया था, बैंक में चला गया वापिस आके जी। एक मामला ठगी का सामने आया था, क्या मामला है, क्या उस पर जानिए। शास्त्री कॉलोनी से करीब 2-3 दिन पहले एक दरख्वास्त आई थी एसपी साहब के मार्फत, तो उसमें कम से कम 40-50 लोग लेडीज भी थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी हमारे से करीब हुई है और जिसमें अभी हम जांच कर रहे हैं।